हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट टाइम जब मैंने RS 200 का माइलेज टेस्ट किया था तो काफ़ी कमेंट आए कि Duke 390 का भी सेम करो, बट उस टाइम टैंक फुल था। मुझे मालूम है Duke 390 का टैंक यूँ खाली होता है, मतलब पेट्रोल फुल कराओ और कहो शाम तक, या नेक्स्ट डे शाम तक तो गारंटीड खाली हो जाती है। बट उसके बाद मुझे याद ही था, इसलिए मैंने टेस्ट नहीं किया। आज बहुत अच्छी धूप निकली है बाहर एंड मौसम थोड़ा गर्म है, तो मैं सुबह उठा, मैंने सोचा आज अच्छा दिन है टेस्ट करने के लिए माइलेज, तो टेस्ट करते हैं चल के एंड देखते हैं क्या रिजल्ट रहते हैं। मुझे लगता है अराउंड 18-20 आना चाहिए, जैसे लास्ट टाइम किया था। सेम दो बॉटल्स होंगी, ये बॉटल में एग्जैक्ट 1 लीटर फ्यूल होगा और जो दूसरी होगी उसमें सेफ्टी के लिए होगा, मतलब जब खत्म हो जाए तो पेट्रोल पंप तक जाने के लिए। एंड उसके बाद हमारे पास है ये पहले वाला पाइप जिससे हमने पेट्रोल निकाला था मम्मी की स्कूटी से। जहाँ पे बाइक रुक जाएगी वहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा मेरी बाइक कितना चली एग्जैक्ट 1 लीटर में। और एक चीज़ जो मतलब वार्निंग दे दूँ आप लोग, कि आप लोग मत ट्राई करना, बिकॉज फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स में कभी भी फ्यूल लो नहीं रखना चाहिए। सिर्फ मैं एक बार ही करूँगा अपनी बाइक के साथ ऐसा, सो प्लीज़ आप अपनी बाइक के साथ ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना कभी। मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कर लेने दो। बाकी जो कार्बोरेटर वाले मेरे भाई हैं वो दिन रात ये टेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाइक में। ये फायदे हैं कार्बोरेटेड बाइक लेने के। तो हम चलते हैं, पहले पेट्रोल निकालते हैं थोड़ा सा, उसके बाद ये टेस्ट शुरू करते हैं। चलो तो सामान रख लेते हैं सारा। एंड सबसे पहले बाइक के पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। अभी जस्ट मैंने इंश्योरेंस कराया है, अगर आप इंश्योरेंस रिन्यू करा लेते हो तो आप अपने 100-200 रुपये बचा लेते हो समझो। इंश्योरेंस पेपर रख लिए, कैमरे का स्टैंड एंड DSLR मेरा। एक्चुअली इसको किसी चीज़ में करके रखेंगे, बिकॉज बैग में पेट्रोल वाली बॉटल्स रहेंगी तो जस्ट इन केस, वैसे होता तो नहीं, खुलती तो नहीं है ऐसे, बट अगर कुछ होता है तो कैमरा थोड़ा सेफ रहना चाहिए। ये सेफ्टी बॉटल एंड ये 1 लीटर की मेन बॉटल, इन दोनों में पेट्रोल निकालते हैं एंड स्कूटी की चाबी। प्लेजर की टंकी कितनी छोटी है? 3 लीटर भी नहीं है क्या? 4 लीटर से भी कम ही है लग रहा है। ये देखो मैंने 1 लीटर निकाला और ये वही मतलब आधा लीटर, 600 ml के आसपास। ओके सो पेट्रोल हमने निकाल लिया है, ये बॉटल्स रख लेते हैं बैग में। बाय द वे ये जो आपको ऐसा गेम जैसा व्यू मिल रहा था ना, ये मैंने चेस्ट माउंट लगा रखा है GoPro का, इस वजह से मिल रहा था। काफ़ी लोग क्यूरियस रहते हैं जानने के लिए कुछ चीज़ें, तो मैं बताता रहूँगा कि मैं वो चीज़ें कैसे करता हूँ। तो हम बाहर आ चुके हैं, पेट्रोल एंड दिखा रही है बाइक, जब कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे बाइक रुक जाएगी पूरी तरह से कि दोबारा स्टार्ट नहीं होगी, वहाँ पे एग्जैक्ट 1 लीटर फ्यूल मैं ऐड करूँगा अपनी बाइक में। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, बाइक तो अभी बंद होने लगी है। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि आप लोग ये टेस्ट मत करना अपनी बाइक के साथ, बिकॉज फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ख़राब हो सकता है अगर उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा तो। एग्जांपल जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, आपके घर में पहले कूलर होते थे, कूलर में जो वाटर पंप होता था अगर उसको वाटर नहीं मिलता था तो फूक जाती थी। एंड सेम गोज विद दीज FI बाइक्स, सेम वही चीज़ होती है, अगर इनको पेट्रोल नहीं मिलेगा ये समझ नहीं रहेंगी तो ये गर्म होके भी फूक सकती हैं और पेट्रोल ना मिलने की वजह से भी फूक सकती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ट्राई बिल्कुल भी मत करना ये चीज़। तो अभी शहीद पथ की तरफ फ़िलहाल हम बढ़ रहे हैं एंड मुझे लग रहा है मुझे गोमती नगर होके जाना चाहिए था। अभी मैं आप लोग से थोड़ा आगे मिलता हूँ जहाँ पे पेट्रोल ख़त्म होने वाला होता है वहाँ पे। तो शहीद पथ में पहुँच चुका हूँ एंड अभी ड्यूक का पेट्रोल मतलब बाइक ने मिस करना शुरू कर दिया है, बट ऐसा अभी ख़त्म नहीं हुआ। और मुझे पता है कि ड्यूक में पेट्रोल कैसे ख़त्म करना है, तो ड्यूक को भगाना शुरू करते हैं और मुझे लगता है कि 4-5 किलोमीटर में ही सारा पेट्रोल उड़ जाएगा, बिकॉज भगाते वक्त बहुत ज़्यादा पेट्रोल पीती है ड्यूक। जा रही है, धीरे धीरे जा रही है अब।
एंड मैं चाहता हूँ गाना स्टेडियम के पास कहीं पे ख़त्म हो, मतलब इस ट्रैफिक में ना ख़त्म हो, बिकॉज साइड में रुकना बड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो थोड़ा सा जल्दी पहुँचते हैं गाना स्टेडियम की तरफ, वहीं पे हम पेट्रोल डालेंगे एग्जैक्ट 1 लीटर। बंद, गाड़ी बंद हो चुकी है, बंद होने के बाद मैंने स्विफ्ट को ओवरटेक कर लिया। बाइक का पेट्रोल एक्चुअली पहले ही बंद होने लगी थी, तो मैं किसी तरह यहाँ इकाना तक एग्जैक्ट पहुँचा हूँ। एंड मुझे यहाँ एकदम बीच रोड पे तो यार नहीं बनाना था वीडियो, बट ठीक है, देखते हैं अगर एक बार और स्टार्ट हो जाए तो थोड़ा और आगे चल दें एटलीस्ट। पता नहीं कि अब ये दोबारा स्टार्ट होने वाली है, और मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर भी नहीं दूंगा कि ज़बरदस्ती स्टार्ट हो, बिकॉज टैंक ऑलमोस्ट सूख चुका है एकदम। FI तक पेट्रोल पहुँचाने की कोशिश, लेट्स सी। मैं चाह रहा था लेफ्ट पहुँच जाए बस। बहुत बढ़िया, तो ये ट्रिक काम कर गई एक्चुअली, ज़्यादा देर तक नहीं करेगी लग रहा है। ट्रिक ख़त्म हो गई काम करके। तो ये थोड़ा खाली एरिया है, सही है, मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। बाइक में कुछ भी नहीं बचा है, स्टैंड एक्चुअली हटा देते हैं। ख़त्म नहीं होगी, तो ड्यूक अब स्टार्ट नहीं हो रही है, और मैं ज़्यादा ट्राई भी नहीं करूँगा बिकॉज FI पे ज़ोर पड़ता है। एंड मैं आपको टैंक के अंदर भी दिखा देता हूँ, शायद ही GoPro से दिख रहा हो, बट एकदम सूख चुका है, मुझे FI मोटर दिख रही है क्लियरली। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए इसमें हम एग्जैक्ट 1 लीटर पेट्रोल ऐड करेंगे, और देखते हैं कितना चलती है बाइक। तो इस बार मैंने कम गिराया, मतलब एक दो बूंदी बाहर गिरी, एग्जैक्ट 1 लीटर आ रहा है बाइक में। और एक्चुअली सच बताऊँ तो थोड़ा सा अंदर से दर्द हो रहा है ऐसे बिना पेट्रोल के बाइक चलाने में, बट ठीक है, मेरी बाइक ख़राब नहीं होगी मुझे पता है, बिकॉज ऐसे कभी मोटर पे इतना प्रेशर पड़ता ही नहीं है, मैं हमेशा पेट्रोल रखता हूँ बाइक में। 1 लीटर पेट्रोल डाल लिया एंड ट्रिप 1 करते हैं 0। सो बेसिकली इस माइलेज टेस्ट में मैं बाइक को दो तरह से चलाऊंगा, एक तो मैं इकोनॉमी में चलाऊंगा 80 से 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड में शहीद पथ पे, और दूसरा मैं थोड़ा सा रफ चलाऊंगा, मतलब अबाउट 120-130, और देखते हैं कि माइलेज ओवरऑल कितना आता है, बिकॉज मैं तो अभी खाली रोड पे हूँ, एज सच आज कोई ट्रैफिक नहीं है, मतलब इधर ट्रैफिक होगा ही नहीं बिकॉज इधर डेवलपिंग एरिया है, तो इसलिए मैं ऐसे चलाऊंगा थोड़ा रफ और थोड़ा इकोनॉमी दोनों, जिससे आपको एग्जैक्ट माइलेज का आइडिया मिल सके। तो फिलहाल अभी दोनों ट्रिप 0 हो गई हैं, गाड़ी 0.3 किलोमीटर चल चुकी है, तो अब कुछ किलोमीटर्स कवर करते हैं एंड देन मिलते हैं। ओके, सो मैंने बाइक यहाँ पे इसलिए रोकी है, मुझे कुछ बातें बतानी है आप लोग को। ड्यूक चल चुकी है 12.2 किलोमीटर्स एंड 3.4 लीटर पर 100 किलोमीटर, इसका मतलब है कि ये बाइक 100 किलोमीटर चलने के लिए 3.4 लीटर पेट्रोल इसको लगेगा, मतलब इतना पेट्रोल ये खाएगी। तो जिसका मतलब है कि बाइक अगर आप अभी फिलहाल मैं इकोनॉमी में चला रही हूँ, अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अभी फिलहाल मैंने बाइक जितनी देर भी चलाई इकोनॉमी में चलाई है, 12.2 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अभी जब मुझे इकाना पहुंचना था बाइक भगाते हुए, तब जो फ्यूल कंजप्शन, एक सेकंड में दिखाता हूं, तब जो फ्यूल कंजप्शन था वो था 4.9 लीटर 100 किलोमीटर चलने के लिए, मतलब रफली 20 का माइलेज आ रहा था। बट जब से मैंने अभी दोबारा से पेट्रोल डाला 1 लीटर, उसके बाद मैंने इसको इकोनॉमी में चलाया बाइक को, तो 3.4 लीटर पेट्रोल लग रहा है 100 चलने में। तो मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ अभी अकॉर्डिंग टू बाइक कितना माइलेज आ रहा है, एंड 100 डिवाइड बाय 3.4, 29.4 का माइलेज बाइक दिखा रही है, और बाइक का जो स्पीडोमीटर है वो बहुत एक्यूरेट है, हर चीज़ एकदम एक्यूरेट दिखाता है। अब इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, जो 12.2 किलोमीटर्स थे ये मैंने इकोनॉमी में चलाए, अब जो आने वाले नेक्स्ट किलोमीटर्स हैं वो मैं थोड़ा सा रफ चलाने वाला हूँ। शहीद पथ एक तरफ से एंड हो चुका है, मतलब
और इकाना से यहाँ तक का डिस्टेंस है 16.2 किलोमीटर। बाय द वे सिटी ट्रैफिक भी मिलने लगा है, अब देखते हैं। वैसे जो मेरी RS 200 है उसने मुझे सरप्राइज़ किया था अबाउट 44 km/h का माइलेज दे के, बट ड्यूक बहुत भूखी रहती है तो मुझे ड्यूक से अब ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। मुझे लगता है कि अब ये अगर चलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 किलोमीटर और चलेगी। थोड़ा बहुत जर्क दे रही थी, पूरी तरह से बंद हो गई है इस टाइम 21.1 किलोमीटर पे। एंड जैसा कि मैंने कहा था, मुझे नहीं लगता ड्यूक सरप्राइज देगी। शी इज़ अ थर्स्टी बिच एंड इसको बहुत पेट्रोल चाहिए होता है हर वक्त। और 21.3 लीटर्स की फ्यूल इकोनॉमी, वैसे मुझे उम्मीद थी इस चीज़ की कि ये होगा। एंड एक बार और स्टार्ट हुई है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऐसे स्लोप टाइप का था, सारा पेट्रोल पीछे आ गया था इसलिए बंद हुई थी। तो मे भी अभी कुछ और किलोमीटर से कवर करेगी। हाँ अभी सही चल रही है, 21.5 किलोमीटर्स एंड जा रही है। तो अब इसको चलाते हैं थोड़ा हार्ड एंड फास्ट, देखते हैं कितना। अब ये समझ लो पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, कितना और ये खींचेगी। सो दैट्स इट, ड्यूक का जो माइलेज आया वो आया 22.8 किलोमीटर पर लीटर, एंड जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है। बट अगर बात करें तो पहले की पल्सर 220 भी अबाउट 18-19 ही देती थी, तो ये तो 390 है। तो मुझे लगता है 390 के हिसाब से माइलेज ठीक है। और अगर आप इसको हाईवे पे चलाओगे तो ड्यूक 390 ने मेरी अबाउट 30 km/h भी निकाला है। जब मैं ट्रिप मारता हूँ हाईवे पे 100-110 पे क्रूज करता हूँ, ऐसे रफ़ नहीं चलाता, थोड़ा मतलब 28-30 km/h दे देती है, जो कि अच्छी बात है। बट ऐसे सिटी राइडिंग के लिए आपका माइलेज अबाउट 20 मान लो आप 20 किलोमीटर पर लीटर ये देगी। मेरी एक्चुअली 22.8 किलोमीटर्स चली है एंड आरएस ने तो एक्चुअली सरप्राइज़ कर दिया था, 44.3 km/h चली थी 1 लीटर में। बट कोई बात नहीं, मतलब मैं निराश नहीं हूँ ड्यूक से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जिस लेवल की ये परफॉर्मेंस ऑफर करती है तो इतना माइलेज ठीक है, चलता है। एंड अब वक्त है अपना एमरजेंसी पेट्रोल डालने का बाइक में इसको, और अगले पेट्रोल पंप पे पहुंच के इसकी हम पूरी भूख मिटा देंगे, टैंक फुल करवा लेंगे। इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करते हैं आपको ये माइलेज टेस्ट अच्छा लगा होगा। 20 साल पुरानी बुलेट पर माइलेज टेस्ट देखना है वो कमेंट करो, देखते हैं कैसा रहता है, मज़ा आएगी उस पर भी टेस्ट करने में ऐसा। इंस्टा पे फॉलो कर लेना एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।